क्या दोस्तों आप भी फार्मा डिवीजन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फार्मा डिवीजन में कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आपके पास लेकिन बजट नहीं है, तो आज हम दोस्तों मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी डिमांड कभी बंद नहीं होगी, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा जब तक इस पृथ्वी पे इंसान रहेंगे। तो एक बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, वो भी बिना मैन्युफैक्चरिंग डाले। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाई में क्या अंतर है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाई में आपको सारी अपनी मशीनरी डालने पड़ते हैं, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, अनुभवी टीम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही बिना ऐसा किए आप मार्केटेड वाई में ये सब बिना खर्चे किए, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, वही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनवा करके मात्र 2% आपका एक्स्ट्रा आएगा, ये आप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। तो सारी जानकारी, आप अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड का नाम कैसे डिसाइड करें, ब्रांड बनाने में क्या क्या खर्चे आएंगे, आप किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसके कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं लीवर टॉनिक। जैसे सब लोग आज के ज़माने में लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, खाने पीने में इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतने केमिकल पड़ रहे हैं जिससे हम लोग लीवर से परेशान रहते हैं, तो लीवर टॉनिक हर एक डॉक्टर लिखता है। ये एक हिसाब से देखा जाए दोस्तों ओटीसी प्रोडक्ट है, लोग अपने आप भी लेके इसको खाते हैं, और एक निजी प्रैक्टिशनर, एक छोटा सा प्रैक्टिशनर, एक मेडिकल वाला, यहाँ तक कि कुछ किराने जनरल स्टोर की दुकानों पर भी ये टैबलेट बिकता है, चूँकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इस टैबलेट से एक ही प्रोडक्ट से आप अपने फार्मा की डिवीजन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लीवर टॉनिक। जैसे लीवर टॉनिक में आपको क्या चाहिए, जैसे आपने कभी ना कभी आपको डॉक्टर लीवर सीरप, लीवर कैप्सूल या लीवर टैबलेट तो लिखा ही होगा, आपको एक नाम से लिखा होगा। जैसे कि ये जान लीजिए इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, एक नाम की ज़रूरत है, नाम अच्छा सा हो जो लेने में इजी हो। वैसे तो दोस्तों 3-4 कंपनियां जो हैं लेवर टाने पूरे इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा बिकता है, बाकी कुछ क्षेत्र वाइज स्टेट वाइज कंपनियां होती हैं उनके हमारे जिस क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव होते हैं वहाँ बिकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका नाम सब जगह पर है दोस्तों, यहाँ तक कि वर्ल्ड में भी उनकी बिक्री होती है, तो आप जानते होंगे। तो आप सबसे पहले जाइए एक मार्केट का सर्वे करिए, मार्केट का सर्वे आप अपने क्षेत्र में कर लीजिए, किस टैबलेट किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसका कलर क्या है, उसका नाम क्या है, ये तीनों चीज़ों पे आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए 3-4 प्रोडक्ट का। अब आपने सर्वे कर लिया, अब आपको उसी से मतलब जैसे उनका नाम इजी है उससे आपको एक नाम इजी सा चॉइस करना है। अब आपने नाम चॉइस कर लिया, अब आपको इसी का एक लोगो बनवाना है जिससे प्रोडक्ट की पहचान होगी और आपकी पहचान होगी, आपकी कंपनी की पहचान होगी। अब इस प्रोडक्ट और लोगों का आपको दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना है जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। जो प्रोडक्ट नाम आप ट्रेडमार्क करवाए हैं इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। अब आपका प्रोडक्ट नाम रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, प्रोडक्ट जो आप टैबलेट, हम यहाँ पे टैबलेट की बात कर रहे हैं, लीवर टैबलेट की, एक डिब्बी में दोस्तों 5 टैबलेट की आती है। लीवर टैबलेट 2 टाइप की आते हैं दोस्तों, एक लीवर टैबलेट प्लेन और एक DS में आता है। DS का मतलब डबल स्ट्रेंथ, दोनों टाइप के बिकते हैं। 60 गोली होता है, 100 गोली होता है, जो टैबलेट DS में होता है 60 गोली के पैकिंग में आते हैं, और जो जो नॉर्मल होते हैं वो 100 गोली के टैबलेट में आते हैं। तो इसके लिए एक डिब्बी आपको डिजाइन, उसका कलर चेंज मतलब डिसाइड करना है। कलर डिसाइड करने के बाद उसको ये शेप देना है, आप जो मार्केट में शेप में है, डिजाइन में है, आपने देखा है उनसे हट के, उनसे हट के, चूँकि यही प्रोडक्ट का कलर और शेप उसकी पैकिंग लोगों को अट्रैक्टिव करती है, इसलिए इसके पैकिंग की डिज़ाइन पे और उसके कलर पे खूब अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। इस पर आप जाकर के किसी भी सॉफ्ट डिजाइनर के यहाँ, सॉफ्टवेयर डिजाइनर के यहाँ आप डिजाइन करवा लीजिए। अब आपके प्रोडक्ट पैकिंग रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, अब आपको क्या चाहिए दोस्तों,
आपको एक ऑफिस डालना पड़ेगा जहाँ पे कुछ कागजात बनवाने पड़ेंगे। ऑफिस आप इसको घर से कर सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी कमरा हो, या किसी सिटी का अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो एक सिटी का चुनाव करके वहाँ कमरे ले करके वहीं पे एक ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा। ऑफिस का डिस्प्ले लुक आप अपने ढंग से दे सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से दे सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया, अब उसी ऑफिस पे कुछ छोटे मोटे कागजात बनेंगे। जैसे दोस्तों आपको GST नंबर लेना पड़ेगा जो कि मेन है, और कोई कागजात लें या न लें GST से ही आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप सरकार की नीतियों का या सरकार जो स्टार्टअप चला रही है उसमें कुछ आप सहयोग लेना चाहते हैं तो MSME रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो सरकार के उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाने के सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत जो भी लोन का प्रावधान चल रहा है तो उसके लिए आप दोस्तों ब्याज पैसा ले सकते हैं। इसके लिए आप नियरमी बैंक शाखा में संपर्क करके संपूर्ण जानकारी लीजिए या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके आप वहाँ से उस लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों और क्या करना है, अगर आपको इसी छोटे से बिना किसी कम पूंजी में काम करना है तो कोई और कागजात नहीं लेने हैं, तो हम यहाँ पे छोटे से और बड़े में जाने के लिए और क्या कागजात होंगे सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपको अगर बड़े में करना है, आपके पास बजट ज़्यादा है, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करवा लीजिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से दोस्तों एक प्रॉफिट ही होगा, जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाते हैं वो लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, तो 40 दिन 50 दिन का साइड, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 2 लाख का प्रोजेक्ट उनसे बनवा रहे हैं, 2 लाख का टैबलेट बनवा रहे हैं, तो आप 50,000 देंगे, बाकी 1.5 लाख रुपये आपको कंपनी 30 दिन 45 दिन की साइड देती है, तब आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के फायदे और ये बड़े लेवल पे करने के फायदे। अब आपको दोस्तों और बड़ा रूप देना है, आपको लगता है कि हम कंपनी के CEO बने, कंपनी के MD बने, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियाँ 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपका सारे कागजात रेडी हो गए। अदर लाइसेंस में, मतलब जैसे दोस्तों कुछ और लाइसेंस स्टेट वाइज होते हैं, जैसे आपको करंट अकाउंट खुलवाना हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप सिर्फ GST नंबर लेकर के और FSI रजिस्ट्रेशन करवा करके, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, FSI रजिस्ट्रेशन दोस्तों 100 रुपये में होता है, तो इतने से पूंजी से आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने में दोस्तों अलग अलग होता है रेट, वो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए हैं, आपके प्रोडक्ट की डिजाइन हो गया, सब कुछ रेडी है, अब आपको कहाँ चलना है, आप चलिए गूगल पे चलते हैं, सर्च करते हैं जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना है, तो इसके लिए आप वहाँ इंटर करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने जैसे इंटर करके ओके किया, आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियों की आएंगी, कंपनी का नाम लिखा होगा, GMP, ISO, WHO GMP सर्टिफाइड, ये उनके सर्टिफिकेशन है, वो अपने अपने लिखते हैं हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है, तो सारी चीज़ें आ रही है। किसी एक कंपनी पे आप ओके करके उनके अंदर जाइए, अंदर जाएंगे उनकी प्रोफाइल आएगी, अबाउट अस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट आएगी, आप उनके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, उनके अपने वो भी डालते हैं हमारे और क्लाइंट, उनके क्या क्या क्लाइंट हैं, वो किस कंपनियों के प्रोडक्ट बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, यहाँ डिटेल देख के उनके एड्रेस ले करके उनके एड्रेस पे सीधे उनके ऑफिस विजिट करना है। यहाँ से ऑफिस विजिट करने पे बीच की धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ से आप पूछिए, पूछा जाएगा कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अभी आप ज़्यादा बैस नहीं लगाएंगे, अभी छोटी क्वांटिटी में आप बनवाएंगे तो दोस्तों वो डिटेल वहाँ पे लिया जाएगा। तो आप एक उसके पहले एक एग्रीमेंट तैयार करिए, एग्रीमेंट में आप लिखिए हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के होंगे, नो कम्प्रोमाइज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से कोई कम्प्रोमाइज नहीं, हमारे जो रॉ मटेरियल होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, हमारा जो फार्मूला होगा लेवर टैबलेट का वो दोस्तों उसकी क्वांटिटी एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया आपके पास आएगा, उसकी हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% होनी चाहिए, ये आप अपने एग्रीमेंट में करेंगे जो आप थर्ड पार्टी कंपनी से पूछेंगे, और जिस कंपनी से आपको बनवाना है दोस्तों वो थर्ड पार्टी कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप 3-4 कंपनियों में विजिट करेंगे, आप देखेंगे जिनके यहाँ
बड़ी बड़ी कंपनियां बनवा रही हैं उन्हीं से आप अपना प्रोडक्ट बनवाएंगे। जिस दिन आप अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए डन कर देंगे उससे 20 से 25 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बनके आपके ऑफिस में आ जाएगा। अब प्रोडक्ट बनके आपके ऑफिस में आ गया, आपको उसको सेल्फ करना है। सेल्फ करने के दो तरीके हैं दोस्तों, सेल्फ टीम तैयार करके ऑफलाइन इसको बेचती है या डिजिटल मार्केटिंग से भी बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग यानी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख के आप वहाँ लॉग इन आई डी करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सेल्फ टीम तैयार करके कैसे बेचे, इसके लिए आपको दोस्तों एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ MR एरिया मैनेजर, सेल्फ एरिया मैनेजर, ZSM, RSM, इन सब में पैसा लगेगा। आपको एक एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा यानी CNDF देना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब आपको करना है जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाए, आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हो जाए। अभी तो आपको अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करना है। आप प्रोडक्ट बनवाइए और खुद मार्केट में उतर जाइए अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए और सेल्फ की कला सीखने के लिए। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी तभी आप अपने कंपनी में जो छोटे छोटे कमियां आती है वो सब कमियां दूर कर लेंगे और मार्केट में जो बारीकियां आती हैं, प्रोडक्ट से रिलेटिव जो कमेंट आते हैं, वो सारी चीजें आप जब हैंडल कर लेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा। जब आपको बेसिक अनुभव हो जाएगा तब आप अपना सेल्फ टीम को तैयार करिए, एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट और इसी तरह से 3-4-5 बढ़ाते हुए आप अपनी बड़ी कंपनी को एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जब आपको लगेगा हमारे पास 20 से 25 प्रोडक्ट हो गए, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे दोस्तों, तो उस समय आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इस ढंग से आप दोस्तों नाम मात्र यानी 10,000 से भी एक प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 से आप शुरू करेंगे और जो भी एक चीज़ और जानकारी दे दें, एक्सपायरी दोस्तों इसकी एक्सपायरी 3 साल होती है। 3 साल में तो आपने जो बनाया है इसको बेच बेच के सिर्फ के कला सीख ही सकते हैं। एक जो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी वाले हैं उससे ज़्यादा पैसा आप कमा ही सकते हैं, तो अपने बिजनेस की नींव रख सकते हैं। इस ढंग से इस छोटी सी पूंजी से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आपने सारे कागजात स्क्रीन बोर्ड पर लिख दिए, आप देख रहे हैं दोस्तों। कभी भी किसी भी कागजात के बारे में कोई भी जानकारी आप चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, हम वो जानकारी आप तक पहुंचा देंगे दोस्तों। जब भी बिजनेस को शुरुआत करना हो, इसमें हमारा 20 से 25 साल का अनुभव है, यानी कि आप चाहेंगे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए नहीं प्रोवाइड करता हूं, आप वहां फ़ोन करेंगे, पूछेंगे, यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा था, वहां से हमको मिला, मतलब उसमें आपको तमाम जो चीज़ें हमें बता रहे हैं ऐसे डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करें, सारी कंपनियों का कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने खुद मिल गए, हमारे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। खुद आगे बढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। इस ढंग से आप अपने कंपनी की शुरुआत करिए, फिर भी हेल्प के लिए यानी जानकारी के लिए हमेशा हम आपके साथ हैं। अगर लगता है कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों कम से कम 8-10 लोगों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुंचा दीजिए। अपना बिजनेस वो भी स्टार्ट करें और अपने कंपनी की शुरुआत करें। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बना करके बनाते रहते हैं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और दोस्तों आपने जो 8-10 मिनट का अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।